Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you're all doing well. So in this video we'll be discussing an essay written by Zvetan Todorov, that is the typology of detective fiction from popular literature. So before discussing this essay, let's get to know something about the author who has written this essay, right? So let's start. He is a Belgradian French historian, philosopher, structuralist, literary critic, sociologist and an essayist. तो ये सब हैं ये, एंड क्योंकि बहुत अच्छे थिंक टैंकर हैं तो ये सब कुछ करते थे, ठीक है, यू नो, मल्टी टैलेंटेड. एंड ही वॉज द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स एंड एसेस्ड. येस, ही हैड रिटन सो मैनी बुक्स, सो मैनी एसेज, एंड दिस इज वन ऑफ दैम. येस, सो दिस इज वन ऑफ द एसे विच ही हैड रिटन, सो विल डिस्कस इन द वीडियो, राइट. नेक्स्ट हम देखते हैं, ही वॉज बॉर्न ऑन 1st of March 1939, सोफिया बल्गेरिया. सोफिया जो है वो बल्गेरिया का कैपिटल है, तो यहाँ पे वो बॉर्न हुए थे. एंड डाइड ऑन 7th of February 2017 पेरिस फ्रांस में. तो ये 2017 में ही इनकी डेथ हो गई थी पेरिस में. सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑथर. अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इन्होंने अपने इस एसे में किन किन चीज़ों को मेंशन किया है, ठीक है. सबसे पहले तो हम नाम का मतलब समझते हैं, द टाइपोलॉजी ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन. अब टाइपोलॉजी क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम यूज्ड फॉर पुटिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स. अब ये एक सिस्टम है जिसके अंदर चीज़ों को ग्रुप में रखा जाता है. किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर सिमिलर, कि किस तरीके से ये एक दूसरे से मैच करते हैं, और अगर मैच करते हैं तो फिर उनका ग्रुप बना के उनको फिर उसमें रखा जाता है, ठीक है. इन ईजी लैंग्वेज वी कैन से द स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको हम अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं, अलग अलग टाइप्स में बांट देते हैं. किसके अकॉर्डिंग? कि वो कैसे एक दूसरे से सिमिलर हैं, ठीक है, उसके बेस पे हम फिर इनको डिवाइड कर देते हैं. तो उसको हम कहते हैं टाइपोलॉजी. एंड किसकी टाइपोलॉजी? ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन की टाइपोलॉजी. अब जो डिटेक्टिव फिक्शन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो एक दूसरे से सिमिलर हैं, और उनको किस तरीके से हम एक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक या फिर एक से ज़्यादा ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं अगर वो सिमिलर हैं तो. क्या चीज़? डिटेक्टिव फिक्शन. अब देखते हैं कि डिटेक्टिव फिक्शन जो है ये क्या होता है. अब दिस इज़ द सबमर्ज ऑफ क्राइम फिक्शन एंड मिस्ट्री फिक्शन. अब क्राइम फिक्शन और मिस्ट्री फिक्शन का ये एक मिक्सचर है, इन विच एंड इन्वेस्टिगेटर और अ डिटेक्टिव, वेदर प्रोफेशनल, अमेच्योर और रिटायर्ड, इन्वेस्टिगेट्स अ क्राइम, ऑफन मर्डर. तो डिटेक्टिव फिक्शन में क्या होता है? क्राइम फिक्शन और मिस्ट्री फिक्शन, इन दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें कि इन्वेस्टिगेटर या फिर डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें क्राइम का, जो भी मर्डर होता है उसके बारे में, ठीक है. अब वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा शौक है किसी को करने का ये सब, तो वो भी कर सकते हैं. और अगर वो रिटायर्ड डिटेक्टिव है तब भी वो कर सकता है. तो अभी तक हमने जो हमारा हेडिंग है इस एसे का, द टाइपोलॉजी ऑफ द डिटेक्टिव फिक्शन, इसका पूरा मतलब समझ लिया, ठीक है. टाइपोलॉजी का भी मतलब समझ लिया और डिटेक्टिव फिक्शन का भी मतलब समझ लिया. अब हम आगे चलते हैं कि इस एसे में इन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की है. Todorov begins his essay with a brief explanation of genre and its evolution with society. अब इन्होंने इस essay को किस तरीके से start किया है, तो इन्होंने जो genre होता है उसको बताया है, ठीक है. genre का मतलब होता है category of literature, उस चीज़ को बताया है और उसके evolution को बताया है society में, किस तरीके से वो evolve हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है. तो उसको explain किया है briefly. And he also mentions the features of great novels and that as a rule this literary masterpiece does not enter any genre save perhaps its own. But the masterpiece of popular literature is precisely the book which best fits for genre. और इन्होंने साथ ही साथ किस चीज़ को mention किया है अपने इस essay में? Features of great novels. अच्छे novels के features को discuss किया है. और इन्होंने ये भी बोला है, As a rule, the literary masterpiece does not enter any genre, save perhaps its own. अब इन्होंने क्या बोला कि कोई masterpiece है तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ जो specific norms हैं, ठीक है, masterpiece को लिखने के लिए, writings को लिखने के लिए उसको follow करेंगे तभी वो masterpiece कहा जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है. क्योंकि जो भी लिखते हैं उनकी अलग अलग qualities होती है, अलग अलग सोचने की क्षमता होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्म्स के बेस पे ही कुछ भी लिखे, ठीक है. अगर वो उसके अलग से हट के भी कुछ लिखता है तभी हम उसको मास्टरपीस कह सकते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं.
ज्वेतान तोदरोव इज अ सेंट्रल फिगर ऑफ फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म। अब ये सेंट्रल फिगर हैं किसके, फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म के, हु एडवोकेटेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नैरेटिव विच इज मॉडल्ड ऑन लिंग्विस्टिक फॉर विच ही कॉइन्ड द टर्म नैरेटोलॉजी। ये जो थे एक फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म थे। अब इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स अ वे ऑफ स्टडिंग ह्यूमन कल्चर दैट एम्फेसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स। अब इसमें क्या चीज़ हम स्टडी करते हैं, ह्यूमन कल्चर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं और अच्छे से हम उसके इम्पॉर्टेंस को समझते हैं, उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, विच इज़ मॉडल्ड ऑन लिंग्विस्टिक्स, और भाषाई तरीके से वो एक तरीके से मॉडल भी था, ठीक है। फॉर विच ही कॉइंड द टर्म नैरेटोलॉजी, और इसलिए उन्होंने इस नाम को गढ़ा, ठीक है, इसलिए उनको ये नाम मिला नैरेटोलॉजी का। नैरेटोलॉजी का क्या मतलब है, इट मीन्स द ब्रांच ऑफ नॉलेज, ठीक है, और क्रिटिसिज्म दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नैरेटिव एंड इट्स थीम्स एंड सिम्बल्स। कि जो भी नैरेटिव है, ठीक है, जो भी कहानी लिखी गई है उसके अंदर क्या क्या नॉलेज की बातें हैं, उसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, उससे डील करता है क्या ये नैरेटोलॉजी, ठीक है। अब क्योंकि हमने देखा कि ये फिलोसोफर भी थे, स्ट्रक्चरलिस्ट भी थे, लिटरेसी क्रिटिक भी थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे, एसेइस्ट भी थे, इट मीन्स ही इज़ अ थिंक टैंकर। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने ही लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिक तरीके से इन्होंने अपने इस लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चरलिज्म दिया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, नैरेटिव पॉइंट से। एंड ही डेवलप्ड द नैरेटिव थ्योरी ऑफ द 20th सेंचुरी रशियन फॉर्मलिस्ट्स टू एस्टेब्लिश अ यूनिवर्सल ग्रामर ऑफ नैरेटिव। क्योंकि ये लिंग्विस्टिक में बहुत सारे चेंजेस लाए, ठीक है, तो इस तरीके से अब उसमें चेंजेस लाए हैं, तो जो भी स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का उसके अंदर ग्रामर पोर्शन जो है उसमें भी चेंजेस आएंगे, तो उन्होंने उस चेंजेस को भी लेके आए ये। इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव 1969 तोदरोव प्रेजेंट्स अ मैनिफेस्टो फॉर द नैरेटोलॉजिकल अप्रोच। तो 1969 में तोदरोव प्रेजेंट्स अ मैनिफेस्टो, यानी एक चीज़ उन्होंने डिक्लेयर कर दी, क्या चीज़, नैरेटोलॉजिकल अप्रोच को लेके, ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने इतने सारे चेंजेस किए जो कि सच में प्रोसीड हुए आगे, जो कि काम में भी आए। तो आई होप कि अभी तक आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि जो चीज़ मुझे लग रही है कि शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे समझने में, तो मैं उस वर्ड का मीनिंग साथ साथ क्लियर करते जा रही हूँ। तो आई होप कि अभी तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया जितना हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तोदरोव स्टार्ट्स दी एसे बाय डिफाइनिंग द कॉन्टोर्स ऑफ व्हाट इट मीन्स टू स्टडी अ जॉनर एंड हाउ एंड व्हाई ओफन स्टडी ऑफ जॉनर इज अवॉइडेड बाय स्कॉलर्स एंड क्रिटिक्स। तो इस एसे में उन्होंने अच्छे से डिफाइन किया है और बताया है कि किस तरीके से जो स्टडी ऑफ जॉनर है इसका क्या मतलब है और क्यों इसको स्कॉलर्स और क्रिटिक्स जो हैं वो अवॉइड करते हैं। इट इज़ फाउंड व्हाट व्हेन वन नोज अ जॉनर एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड रूल्स इट मे ओफन नॉट मेक अस एंजॉय अ पीस ऑफ लिटररी वर्क इन द सेम मैनर एज वन यूजुअली डज। बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट व्हेन वन रीड्स फ्यू वर्क्स ऑफ द सेम जॉनर वन नेचुरली कम्स टू नो अ रफ स्ट्रक्चर ऑफ दैट जॉनर लीडिंग टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये चीज़ देखी गई है कि अगर हमें पहले से ही कोई चीज़ पता होती है, फॉर एग्जांपल हम कुछ चीज़ देख रहे होते हैं, कोई मूवी देख रहे होते हैं, ठीक है, मान लो उसमें डिटेक्टिविटी जो है वो इंक्लूड की गई है, तो उसको देखते वक्त हम ऑडियंस जो होते हैं हम गेस करने लग जाते हैं, अच्छा ऐसे हो रहा है, अब इसके बाद तो पक्का ये होगा, अब इसके बाद ये होगा, लेकिन हमारी जो भी हम सोचते हैं वो सब कुछ फेल हो जाता है, हम जो भी सोचते हैं कि ऐसे होगा वैसा नहीं होता है। तो ये जो हम देखते हैं वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लग जाते हैं कि हमने तो सोचा था ऐसे होगा, अच्छा अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो अब और क्या होगा, है ना, तो इसलिए हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाता है और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो इन्वेस्टिगेटर है वो अब चीज़ों को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, किस तरीके से वो सॉल्व करेगा। तो ऐसे में जो हमारा इंटरेस्ट है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे हमें एक एग्ज़ाम्पल भी मिला है, वी हैव ऑल रेड ट्रेजडीज एंड नो द बेसिक रूल्स ऑफ ट्रेजडी दैट अ ट्रेजडी शुड डील विद द राइज एंड फॉल ऑफ अ कैरेक्टर विच यूजुअली इज कॉज्ड बाय द ट्रेजिक फ्लॉ हैमर शेयर और द फेट। अब हम सबको पता है कि ट्रेजडीज़ का क्या मतलब होता है, जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं उसको हम कहते हैं ट्रेजडीज़, ठीक है। दैट अ ट्रेजडी शुड डील विद राइज एंड फॉल ऑफ अ कैरेक्टर, कि जो भी मेन कैरेक्टर है
उसकी ट्रेजेडी में ये सारी चीज़ें शामिल हो रही हैं कि किस तरीके से वो गिर रहा है, किस तरीके से दब रहा है किसी दूसरे कैरेक्टर के थ्रू, या फिर किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके अब वो निकल रहा है, उभर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी ट्रेजेडी है उसमें होना चाहिए वो सारी चीज़ें, और कैसे कैसे जो कैरेक्टर है उसकी लाइफ में ट्रेजेडीज आए जा रही है। हैमर्शिया यहाँ पे एक वर्ड है, इसका मतलब है कि जो भी गलती जो कैरेक्टर ने खुद से करी है, ठीक है। जैसे कि हम मूवी देख रहे होते हैं कोई, तो उसमें जो हीरो होता है वही गलती कर देते हैं, मान लो कि उसी से एक्सीडेंट हो गया, तो हम देखेंगे कि अरे यहाँ पे तो हीरो ने ही गड़बड़ कर दी, तो अब आगे क्या होगा। तो हम देखते रहते हैं कि ये तो खुद हीरो है और उसने विलन वाला काम कर दिया, पर किस तरीके से फिर वो उसी चीज़ को सॉल्व करता है जिसका एक्सीडेंट उसके थ्रू हुआ है, उसको वो कैसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ठीक है। तो जो गलती जो कैरेक्टर खुद से करता है तो उसको हम कह देते हैं हैमर्शिया। और या फिर कोई ऐसा रीज़न जिसकी वजह से हीरो या फिर हीरोइन या फिर जो भी मेन कैरेक्टर है उसका डाउनफॉल हुआ जिस रीज़न की वजह से, तो उसको हम कहते हैं हैमर्शिया, राइट। अपार्ट फ्रॉम दीज, एरिस्टोटल हैड गिवन फ्यू मोर नॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडी सच एज इट शुड हैव कैथारसिस। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है कैथारसिस, उसका क्या मतलब है, मान लो हम कोई सीरीज देखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जब हम कोई सा भी सीन चल रहा होता है जिससे कि हम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं बिल्कुल, अगर मान लो किसी को चोट लग गई, आपका कोई मेन कैरेक्टर है या फिर कोई फेवरेट कैरेक्टर है उसके बारे में है ये, और उसके ज़िंदगी में कुछ दुखद घटना घट रही है, तो हम बहुत ही सैड हो जाते हैं कि अरे वो कैसे सफ़र कर रहा है, ठीक है, अब आगे क्या होगा उसकी ज़िंदगी में, तो हम बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि अब आगे क्या होगा, तो फिर दूसरा सीज़न के लिए हम वेट करते हैं। तो इस तरीके से जो भी रीडर्स है, जो भी ऑडियंस है, उसको कैथारसिस यानी जो भी इमोशनली बिल्कुल उसके अंदर घुस जाना कि अब आगे क्या होगा, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ट्रेजेडी में, ताकि जो सामने वाला है वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे, उसकी जो उत्सुकता है वो ख़त्म ना हो इसकी वजह से, कैथारसिस की वजह से, ताकि वो इमोशनली उस चीज़ से जुड़ा रहे। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो उन्होंने नॉर्म्स दिए हैं कि एक जो कैरेक्टर है जो ट्रेजेडी है उसके अंदर कैथारसिस होना ही चाहिए, purgation of the feelings of pity and fear, that the protagonist of a tragedy should be noble character, that the plot of the novel should have three unities. अब जो plot है novel का उसके अंदर three unities तो होने ही चाहिए main. Time, place और action, ये तीनों main चीज़ें हैं जो कि होनी ही चाहिए, ठीक है, perfect तरीके से. And that it should be accompanied by music, rhetoric and that the कॉमिक एंड ट्रैजिक एलिमेंट शुड नॉट बी मिक्सड विद ईच अदर. अब ये सारी चीज़ों को उसके अंदर मिक्स नहीं कर देना है, ठीक है, सबको सेपरेट रखना है ताकि जो ऑडियंस है उसको हर चीज़ पता लग सके, ये नहीं कि उसमें म्यूज़िक भी डाल दिया उसी टाइम पे उसमें कॉमिक भी डाल दिया, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है. नोइंग दीज नॉर्म्स ऑफ ट्रैजेडी ओफन इज़ हेल्पफुल फॉर अस एज अ स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर टू कैटेगराइज द पीस ऑफ वर्क as a tragedy, and often we also tend to say how a play has followed the norms or have broken them. For example, William Shakespeare in all his great tragedies have broken the Aristotle's norms and have created masterpieces. Yes, अब यहाँ पे एक चीज़ मेन है जो आपको समझनी है कि एरिस्टोटल ने क्या कहा कि इन सारी चीज़ों को मिक्स नहीं कर देना है, हमारे पास थ्री यूनिटीज़ होनी चाहिए एक ट्रेजेडी में, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ठीक है. उसके अलावा उन्होंने कहा कि म्यूज़िक है, कॉमिक है, इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स नहीं करना है, ठीक है, ये सारे ट्रेजिक एलिमेंट्स को एक साथ मिक्स नहीं करना है, ठीक है, सेपरेट रखना है. लेकिन ये जो नॉर्म्स हैं, इन नॉर्म्स को विलियम शेक्सपियर ने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, उन्होंने तो अपने तरीके से लिखा ना. अब क्योंकि कोई लिख रहा है इंसान, तो वो उसके अंदर वो चीज़ है, वो एबिलिटी है, तभी वो लिख पा रहा है, तभी वो सोच पा रहा है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपने अपने सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो उन्होंने एरिस्टोटल के नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया. लेकिन फिर भी वो कितने ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है, उनके सारे वर्क्स कितने ज़्यादा सक्सेस रहे, उनकी राइटिंग्स कितनी ज़्यादा अच्छी रहीं विलियम शेक्सपियर की, तो उनकी राइटिंग्स भी अपने रूप में अपनी तरीके से मास्टरपीस ही है, है ना. अब क्योंकि उन्होंने एरिस्टोटल के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, उसके बाद भी इनकी राइटिंग्स मास्टरपीस में इंक्लूड की जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो नॉर्म्स को फॉलो करेगा उसी की राइटिंग्स को हम मास्टरपीस कहेंगे, नहीं, क्योंकि सबका लिखने का अलग अलग तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है, ठीक है, कि कौन कहाँ तक सोच सकता है, ठीक है. तो हो सकता है कि जो एरिस्टोटल के नॉर्म्स हैं उनसे बेटर विलियम शेक्सपियर के हों, है ना. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्म्स फॉलो करेगा उनकी ही राइटिंग्स अच्छी होंगी.
दिस मेक्स टोडोरोव स्टेट दैट द लिटरेरी मास्टरपीस डज नॉट एंटर एनी जॉनर सेव परहैप्स इट्स ओन। अब यहाँ पे टोडोरोव कहते हैं कि लिटरेरी मास्टरपीस ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड से लिखी जाए, या फिर इसका एक अपना खुद का तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि शेक्सपियर ने प्रूव किया कि मास्टरपीस हमेशा डिफरेंट होती है और हर किसी से अलग लिखी जाती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एरिस्टोटल के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपना ही लिखा, ठीक है, क्योंकि मास्टरपीस हमेशा अलग होता है, इसलिए उन्होंने खुद से ही अपना लिखा। वॉट ही मीन्स इज़ दैट लिटरेरी मास्टरपीस इज़ अ जॉनरे ऑन इट्स ओन एज इट डज नॉट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द जॉनरे बट मोर ओवर क्रिएट्स नॉर्म्स ऑफ इट्स ओन विच इज़ डिफ़िकल्ट टू इमिटेट एंड क्रिएट अनदर वन। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो, अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी नकल, क्योंकि जो पूरी दुनिया है वैसे भी वो इमिटेशन पे ही चलती है, कैसे, क्योंकि हम एक दूसरे को देखा देखी में ही सीखते हैं, फिर एक दूसरे को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हमने कहीं किसी को कुछ करते हुए देख लिया तो फिर वो हम अपनी ज़िंदगी में भी अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नकल कर रहा है तो वो मास्टरपीस नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से, मान लो अगर कोई नकल कर रहा है तो उसमें वो अपनी कुछ और स्टाइल्स को ऐड कर रहा है और उसको से रिक्रिएट कर रहा है, फिर से वो अलग दूसरा मास्टरपीस बन गया, ठीक है। जब हम कॉपी कर रहे थे तो वो ऑलरेडी एक मास्टरपीस था, लेकिन हमने उसको कॉपी किया, फिर अपने स्टाइल्स उसमें और ऐड कर दिए। शेक्सपियर्स हैमलेट इज अ रिवेंज ट्रेजेडी इज अ प्ले अबाउट रिवेंज बट मोर देन दैट इट इज हैमलेट एंड अ सेकेंड हैमलेट इज नॉट पॉसिबल इन वन एंड इनडिसाइसिव कैरेक्टर सिमिलर टू हैमलेट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन टी एस एलियट्स प्रूफ रॉक ही हैड टू से आई एम नॉट हैमलेट नॉर आई एम मीन्ट टू बी एज अ सेकेंड हैमलेट इज नॉट पॉसिबल। सो इन केस ऑफ लिटरेरी मास्टर पीस अकॉर्डिंग टू टोडोरोव वॉट इज क्रिएटेड इज यूनिक इन सच अ मैनर दैट इट इज़ नॉट फिट अ फॉर्मूला। अब देखो, यहाँ पे शेक्सपियर की मूवी की बात की गई है, उनकी मूवी थी हैमलेट, जो कि एक रिवेंज मूवी है, ठीक है, जिसमें बदला लेते हैं लोग एक दूसरे से। तो इसमें हैमलेट की कहानी है, इसमें प्रिंस हैमलेट और किंग हैमलेट दोनों होते हैं, यानी किंग हैमलेट और उसका बेटा प्रिंस हैमलेट। तो टी एस एलियट ने एक लव सॉन्ग प्रूफ रॉक को लिखा था, ये वर्ल्ड वार के टाइम की बात है, उस तब की टाइम की राइटिंग है, और ये एक पोएम है। इसमें एक लाइन लिखी है, आई एम नॉट हैमलेट नॉर आई मेंट टू बी, यानी मैं हैमलेट नहीं हूँ और ना ही मैं बन सकता हूँ। तो टी एस एलियट जो है ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल राइटर है, और इनका मानना था कि पोएम ऐसी नहीं होती कि सिंपल लैंग्वेज में कुछ भी लिख दो, ऐसे ही बस कुछ भी लिख दो राइम करके, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। इनका मानना था कि पोएम को लिखने के लिए, या फिर किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर, पीस ऑफ राइटिंग को लिखने के लिए उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए, ठीक है, उसको हमेशा एक टेक्निकल वे में ही लिखना चाहिए। अ मास्टर पीस इज़ वन विच फॉलोज द नॉर्म्स ऑफ द जॉनरे क्लोजली एंड डज नॉट डेविएट मच फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर और पैटर्न दैट इज सो टिपिकल ऑफ द जॉनरे। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि कोई भी मास्टर पीस हो उसमें हम किसी भी पर्टिकुलर नॉर्म्स को फॉलो करें, ठीक है। पर हमने इससे पहले अभी क्या पढ़ा था कि मास्टर पीस तो अपने आप में ही होता है, सबसे अलग होता है, हटके होता है, और सब उसमें अपना ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि शेक्सपियर ने क्या किया था कि उन्होंने एरिस्टोटल के जो भी नॉर्म्स उनको फॉलो नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी राइटिंग्स हैं वो मास्टर पीस में इंक्लूड होती हैं, मास्टर पीस मानी जाती हैं। पर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो भी मास्टर पीस है उसमें इन सारे नॉर्म्स को लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मेन समझनी है कि ऐसा नहीं है कि इन नॉर्म्स को फॉलो करना ही है मास्टर पीस बनाने में। इसका ये मतलब है कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो उसको ऐसे ही सीधा उल्टा नहीं लिख देना है, ठीक है, हमें उसको अच्छे से प्रॉपर वे में उसको अरेंज करके लिखना है ताकि वो मास्टरपीस जैसा बन सके। अब हम कहेंगे कि चलो, जैसे कि शेक्सपियर ने किया कि उन्होंने भी तो एरिस्टोटल के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, हम भी नहीं करते, हम भी लिख देते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी जो थिंकिंग है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, हमें हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए लिखने की, जैसे कि उन्होंने लिखा, ठीक है। अब उन्होंने जिस तरीके से लिखा वो तो उनका मास्टरपीस था, लेकिन हम नॉर्मल ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि पहले उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि नॉर्म्स को फॉलो करना, ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि सबके जो भी लिखते हैं हम अपनी एबिलिटी पे वो सारे ही मास्टरपीस कंसीडर किए जा सकते हैं, ठीक है, अगर अच्छा हुआ तो। पर अब हम लास्ट में देख रहे हैं कि लिखने का एक प्रॉपर नॉर्म होना चाहिए, एक पर्टिकुलर नॉर्म होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि उसको हम जो भी लिख रहे हैं उसका जो बनावटी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अच्छे से अरेंजमेंट में होने चाहिए, उसको टेक्निकली वे में लिखा जाना चाहिए, ठीक है, तब हम उसको कहेंगे मास्टरपीस। अब आगे बढ़ते हैं। अ डिटेक्टिव फिक्शन यूजुअली हैज़ टू स्टोरीज। डिटेक्टिव फिक्शन में हमेशा टू स्टोरीज होती है, कौन सी, द स्टोरी ऑफ क्राइम एंड द स्टोरी ऑफ डिटेक्शन।
कि उसमें पहले क्राइम होता है, अब क्राइम के बाद फिर डिटेक्टिव जो है वो डिटेक्ट करेंगे चीज़ों को, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें होती है हमेशा डिटेक्टिव फिक्शन में। दीज टू स्टोरीज़ आर मर्ज टू फॉर्म द प्लॉट ऑफ अ डिटेक्टिव नॉवल। ये जो दो स्टोरीज़ हैं, द स्टोरी ऑफ क्राइम और द स्टोरी ऑफ डिटेक्शन, इन दोनों को एक साथ मर्ज किया जाता है किसके लिए, प्लॉट बनाने के लिए डिटेक्टिव नॉवल का। एज वी प्रोग्रेस विद द स्टोरी ऑफ द डिटेक्शन विच यूजअली अ फ्रेंड और एन एक्वेंटेंस ऑफ द डिटेक्टिव यूजअली नैरेट्स, वी आर गिव्स क्लूज, ओफन फॉल्स क्लूज अबाउट द क्रिमिनल एंड दस द टसल टेंशन सस्पेंस बिटवीन द नैरेटिव एंड द रीडर कंटिन्यूज। और फिर जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं तो ये स्टोरी जो है कैसे डिटेक्शन शुरू होती है इस स्टोरी की, या तो जो क्रिमिनल है उसके फ्रेंड से हम पूछताछ करते हैं या फिर उसके जान पहचानने वाले से यानी एक्वेंटेंस से, ठीक है। और यूजुअली हमें क्लू जो है वो गलत ही मिलता है, ठीक है। और जो क्रिमिनल है बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, सस्पेंस होता है उस क्रिमिनल के रिगार्डिंग। द सेंस ऑफ द सस्पेंस इज वेदर द रीडर विल बी एबल टू गेज द क्रिमिनल बिफोर द डिटेक्टिव टेल्स हु शी और ही इज़। अब यहाँ पे इसेंस क्या होता है, पूरा जो होता है इस पूरी डिटेक्शन स्टोरी का, इसका सेंस क्या होता है कि जो ऑडियंस है या फिर जो रीडर है जो देख रहे हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं, तो क्या वो डिटेक्टिव से पहले क्रिमिनल को पकड़ने के योग्य हैं, उनको पता चल रहा है कि क्रिमिनल कौन है। बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स मोस्ट डिटेक्टिव फिक्शन टोडोरो प्रपोजेज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ डिटेक्टिव फिक्शन। तो यहाँ पे वो पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं हमें कि डिटेक्टिव फिक्शन किस तरीके का होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है द नॉवल मस्ट हैव एट मोस्ट वन डिटेक्टिव एंड वन क्रिमिनल एट लीस्ट वन विक्टिम। तो ये जो नॉवल है इसके अंदर कम से कम एक डिटेक्टिव और एक क्रिमिनल तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द कल्प्रिट मस्ट नॉट बी अ प्रोफेशनल क्रिमिनल, मस्ट नॉट बी द डिटेक्टिव, मस्ट किल फॉर पर्सनल रीजंस। अब ये जो कल्प्रिट है वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्रिमिनल जो है वो प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, डिटेक्टिव भी नहीं होना चाहिए, और जो भी अगर उनकी लड़ाई हो रही है, जो भी अगर मर्डर किया है किसी का, तो उसके अंदर उनके पर्सनल रीज़न नहीं होने चाहिए। फिर तो जो डिटेक्टिव फिक्शन है वो बिल्कुल ही उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा लव हैज़ नो प्लेस इन डिटेक्टिव फिक्शन। अभी इसमें कोई भी लव स्टोरी नहीं होनी चाहिए बल्कि उसमें क्राइम सीन होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा द कल्प्रिट मस्ट हैव अ सर्टेन इंपॉर्टेंस। अब जो कल्प्रिट है ना उसका जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए उस पूरी स्टोरी में। Everything must be explained rationally, the fantastic is not admitted। और हर चीज़ को कैसे explained होना चाहिए, rationally, यानी scientific facts के through। Next हमारा there is no place for descriptions or for psychological analysis। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें description का मतलब है कि हम बोलते हैं ना कि हाँ हमने देखा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो ये सब कुछ नहीं चलेगा वहाँ पे, नहीं चलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ नहीं चलेंगी, हमें सीधा डायरेक्टली प्रूफ ही चाहिए वहाँ पे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कानून अंधा होता है, उनको सिर्फ सबूत चाहिए, हम जितना भी बोलें वो नहीं मानते, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। हम जितना भी बोलें कि हमें ऐसा लगता है ऐसा हुआ होगा, क्या पता ऐसा हो सकता है शायद, तो ये सब नहीं चलता, हमें सीधा प्रूफ चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विद रिगार्ड टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टोरी द फॉलोइंग होमोलॉजी मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, ऑथर रीडर क्रिमिनल एंड डिटेक्टिव। यहाँ पे जो भी ऑथर है, रीडर है, क्रिमिनल और डिटेक्टिव है, यहाँ पे हम सबको एक जैसा ही दिखाना है, ठीक है। अलग अलग करके नहीं दिखाना, क्योंकि हमें इनको, क्योंकि ये डिटेक्टिव फिक्शन है तो इसमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी रखना है, ठीक है, ताकि सबको थोड़ा घुमावदार लगे, कोई भी एकदम से पॉइंट पर ना आ जाए, एकदम से सॉल्यूशन पर ना आ जाए। तो इसलिए सबको सिमिलर ही रखना है, ठीक है, अलग अलग नहीं रखना किसी को भी, सेपरेटली शो नहीं करना है, सेपरेटली मेंशन नहीं करना है, सबको एक साथ ही रखना है। होमोलॉजी ऑब्जर्व का मतलब है ये सब में सिमिलैरिटी ही नज़र आए हमें, किसमें, रीडर में, क्रिमिनल में और ऑथर में, ठीक है, और डिटेक्टिव में। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज बैनल सिचुएशंस एंड सॉल्यूशंस मस्ट बी अवॉइडेड। बैनल सिचुएशन का मतलब है बिल्कुल ही बोरिंग सा कर देना, ठीक है, क्योंकि अगर ये डिटेक्टिव फिक्शन है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग भी लगनी चाहिए, है ना, जो रीडर है या फिर जो ऑडियंस, उनके दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ शायद ये डिटेक्टिव हो सकता है, ये डिटेक्टिव हो सकता है, इस तरीके से उनको यू नो एक्साइटमेंट बनी रहे देखने की, ठीक है। तो अगर हम बैनल सिचुएशन रखेंगे तो वो तो आधे पे ही छोड़ के भाग जाएंगे, और अगर इतना बोरिंग होगा, घुमावदार नहीं होगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूजिंग नहीं होगा, फिर तो वो आराम से डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन क्रिमिनल है। तो इसलिए डिटेक्टिव फिक्शन लिखने के लिए हमें बैनल सिचुएशन और डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ जाना, इन सारी चीज़ों से अवॉइड करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, द टाइपोलॉजी ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, अच्छी तरीके से, ठीक है। एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो
प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, एंड येस शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग.